जय जगन्नाथ। नमस्कार, आपण मानको पुदी एसके शिवना चैनल को स्वागत जनाउची। मु आज आपण मान पई नै आछी भोजी स्टाइल खीरी, बिना खुआ बिना मिल्क मेड रे बनेबी। किंतु आमर एथि पर्वपर्वाणी कथा उठिले कि पर्वपर्वाणी हेले खास कर बेसी मिठा को प्राधान्य दिया जाय। काहेकि ना मिठाटा करले सबुठारु भल, आ मिठाठारु फास्ट रखा जाय खीरी। खीरी ता आग बना जाय, तब चलतु से स्पेशल खीरीटा केमती बनैबा। किंतु मोर ए रेसीपीटा को मूलरु शेष पर्यंत देखंतु खीरीटा केमती बनिब। आज मोर चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करंतु, मने करी बेल आइकन बजाइ दियंतु। चलतु से स्पेशल खीरीटा भोज स्टाइल खीरीटा केमती बनैबा सहज सरल उपाय रे करिबा। मु चावल नै जाइछि, चावल देखंतु दि मुठा हंदी चावल हबो, इ हाथरे मुठैले 50 ग्राम चावल नैछि। आ चलतु आपको बतुरी दवा दू चाउल मु बासमती चाउल नहीं जेकोसी चाउल ना चलो पानी रे बतुरे की घंटा टाइप घूर रखीद अरुआ चाउल पानी पकईद गोटे घंटा हो गला चाउल बतुरी गला गोटे जगह को छाणीद चाउल को छाणीदेली आसपी पा निकल की सुखीगला देखा चाउल कमी कला देखो ये भांगी जाऊँगी। आउ आपण माने पुरुना चावल रे चावल जो खीरी केबे बनेबेनी, नुआ चावल रे खीरी बनेबे। कने नुआ चावल रे बनेले खीटा जल्दी हबो, आ खीटा भलो बहलिया हबो, बहुत स्वादिष्ट लागिबो। डिक्ची बसई देई छी, डिक्ची रे पानी देई दबा, अत्ताते पानीटा देंगे चारियाडे बुले दबा, एंदी न लागिबो खीरीटा। आपण माने मोटा साइज डिक्ची नै पारंती, मोटा साइज करै भी नै पारंती। पानी जो देई थिली से गरम हे गेलानी, आ खीर पकेबा। ओ खीर 1.5 लीटर नै छी, 50 ग्राम चावल को 1.5 लीटर क्षीर क्षीरटा को फुटवाक दबा। आपको भल लगे फुटिगले चाउल पकेबा, क्षीर को मझे मझे चलेबे, क्षीर तो फुटवाक है क्षीरटा उतुरदेवे नहीं कम जाल बनइबे। क्षीर फुटिलानी और जो चाउल मुझे छाणी रखी थी अरुआ चाउल को पकईवा, चलेबा फुटवा दबा। अरुआ चाउल भल कि फिटवा दरकार, भल लगे फिटिले क्षीर स्वादिष्टा भल हाँ। 5-10 मिनट जाए एम चलवा तले लगे जाए 10 मिनट है मुझे खीरी केमती कर देखो चाउल फिटिगला कितु क्षीर उतर के करे करे जो लगि थब सरटा एमती करदे कहीं सरटे सबूक प्रोटीन अच्छी। ग्राइंडर जार नहीं जाए काजु नहीं जावा 6-7टा काजु देखु काजु नहीं गली किसमिश 2टा नहीं जावा ग्राइंडर जार नहीं जा अरे मुझे काजू 6-7टा काजू काजू नहीं गली 6-7टा गुजराती 2टा क्षीर देद ग्राइंड कर चलवा आँच मिनट लगे फास्ट 10 मिनट टाइम गला आँच मिनट टाइम लग एम चल देख चाउल पूरा फिटिगला ही चाउल फिटिगले बहुत टेस्ट लगे। देख मुझे मिल्क मेड दौनी आम खीरी बनब पूरा भोजी स्टाइल खीरी हम देख सीटा केमती कौन बनब कौन सब पड़ो आग को देखो सब फिटिगला आमती बहलिया चीनी पकईद मन रखी था चाउल फिटिगले जाए चीनी पकेबे आउ चाउल न फिटा पूर्व चीनी पकेले चाउल जमा फिटबनी से जमती सेमती रही। चीनी मुझे 200 ग्राम चीनी नहीं आदि मीठा खाया चाहते आहरी चीनी नहीं पारे चीनी पकई दौर तेजपत्र पकईद तेजपत्र पकईदेली लुण चमचे पकईवा ये लुण खीरी दि जाए अल्प लुण पड़े लुण अल्प चमचे चलवा आ जो ग्राइंडर करी काजू क्षीर को आदि पकईवा आर बहुत स्वादिष्टा बहुत बढ़िया हाब बिना मिल्क मेड मु खीरी बनाऊँ पूरा भोजी स्टाइल खीरी बनब। 5 मिनट जाए आपको एमती चलेबे आपको सीझे को दबा 5 मिनट बनीगला। मु फास्ट 10 मिनट टाइम नहीं थी सेकेंड 5 मिनट नहीं थी एबे भी 5 मिनट नहीं समुदाय 20 मिनट है आपको ओल्लई दबा कड़े बसई काजू किसमिश भाजवा घी नहीं जाए 2 चम्मच 2-3 चम्मच नहीं गले भी चलो पकईवा घी गरम हो गला काजू पकईवा आग काजू को भाजीद काजू दर भाजीगले अधे किसमिश पकईवा काजू किसमिश भाजी आपको गोटे जगह को काढ़ी दबा घी आदर अच्छी चीनी 2 चम्मच पकईवा भल कि भाजवा चीनी टा पूरा रेड कलर हो
ମୁଁ କ୍ଷୀରିଟା କୁ କଲର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀରିଟା କଲର୍ ନ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକୁ ସେମିତି ବି କରିକି କାଜୁ କିସମିସ ପକେଇବି ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି କଲେ କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ହେଲା, ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଲର୍ ଅଧିକା ଯଦି କଲର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଅଧିକା ଚିନିଟାକୁ ନାଲି ବନେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଚିନିଟା ହେଇଗଲାଣି। ଜିରା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପକେଇବା, ଜିରାଟା ପକେଇଲେ ଅଧିକା ବାସନ ହେବ। ଅଧିକା ଜିରା ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କମ୍ ପକେଇବେ ଜିରା। ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପକେଇବେ। ଜିରା ଫୁଟିଗଲାଣି ଆଉ ଚିନିରୁ ଧୂଆଁ ଅଂଶ ବାହାରିଲାଣି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ୍ଷୀରିକି ଆଦରେ ପକେଇବା, ଏମିତି ତାକୁ ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ କ୍ଷୀରିକି କରିବେ। କରେଇ ଲଗେଇ ଦେବେନି, କାଜୁ ଖିସମିସ ତାକୁ ଭାଜିଥିଲି ତାଦେହରେ ପକେଇବା, ଅଧେ ପକେଇବା, ଅଧେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିକି ଖାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତୁ, ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିକି କ୍ଷୀରି ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭୋଜିକି ଯାଅ ଖାଅ ସେମିତି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ କ୍ଷୀରିଟା ପୁରା ସହଜ ଉପାୟରେ ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଗଲା, ବିନା ମିଲ୍କ ମେଡ଼ରେ କ୍ଷୀରିଟା ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେ ଆଉ କିଛି ମିଲ୍କ ମେଡ଼ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହେଇଗଲା କ୍ଷୀରିରେ ମୋତେ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ 5 ମିନିଟ୍ ଗଲା, ତାପରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଗଲା, ପରେ ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ଗଲା। ଆକୁ ଭାଜିକି ସବୁ ଛୁଙ୍କ ସମୁଦାୟ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା କ୍ଷୀରିଟା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଷୀରିଟା ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା, ଓହ୍ଲେଇ ଦବା, ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି, ବିନା ମିଲ୍କ ମେଡ଼ରେ ମୁଁ ବନେଇଛି, ପୁରା ଭୋଜି ଦେଖିରେ କ୍ଷୀରିଟା ବନେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ମନେ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।